दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ कुसारी ब्रिज के ऊपर। और दोस्तों मैं बता दूँ कि काफ़ी तेज़ धूप भी है, तो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था दोस्तों कि कुसारी ब्रिज का मैं वीडियो बना करके दिखाऊं, क्योंकि इसके देख सकते हैं दोस्तों अभी नया नया ब्रिज बना है, लेकिन अभी बारिश की वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रोड टूट गया है, पुल के किनारे किनारे देख सकते हैं अभी यहाँ पे टूट। तो मैं बता दूँ जैसे ही पुल बना यहाँ पे देख सकते हैं 2-3-4 दुकानें भी खुल चुकी हैं। तो दोस्तों सबसे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संजीव गुप्ता बंटी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों अभी हमें कुसारी ब्रिज के पास, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लगभग 1 मिनट का रास्ता है कुसारी। अभी हम मतलब उस जगह पे आ चुके हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस कुसारी ब्रिज के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं अभी ये नया नया बना है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों मैं बता दूं देवरिया से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर यह ब्रिज है, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं आप लोगों को कुसहरी ब्रिज के बारे में जानकारी देने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं इस एरिया मतलब इस जगह के बारे में बताने वाला हूं कि इस ब्रिज से मतलब कितने गांव में आप लोग जा सकते हैं, मतलब आसानी से मतलब बोल सकते हैं कितना दूरी मतलब तय नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले यह ब्रिज जो उतर रहा है इस यहाँ से आप लोग इस रास्ते से आप जा सकते हैं रामपुर कारखाना यानी पश्चिम साइड, और इस मतलब इस रास्ते से आप जा सकते हैं आप लोग पत्थरदेवा। तो दोस्तों ये आप लोगों का रोड का मतलब समझ सकते हैं रोड मतलब किस किस एरिया तक जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे ब्रिज के ऊपर और ब्रिज का नज़ारा दिखाएंगे और कुछ लोकेशन और वीडियो में बने रहे इन तक। तो चलिए चलते हैं फाइनली। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग ब्रिज की तरफ और दिखाते हैं आपको ब्रिज का नज़ारा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग के पास में ही है ब्रिज, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। तो दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ कुसहरी ब्रिज के ऊपर, और दोस्तों मैं बता दूँ कि काफ़ी तेज़ धूप भी है। तो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था दोस्तों कि कुसहरी ब्रिज का मैं वीडियो बना करके दिखाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने लगभग 6-7 महीना पहले मैं वीडियो बनाया था इस ब्रिज का, जो कि बोल सकते हैं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ काम नहीं हुआ था। तो मैं फाइनली आज आ गया हूँ और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ पुल का नज़ारा। देख सकते हैं पूरा फाइनल तरीके से रेडी हो गया है, लेकिन जो बोल सकते हैं आप जो जैसे ही पुल समाप्त हो रहा है वहाँ से पूरा मतलब बोल सकते हैं मरम्मत अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो आप लोग आ रहे हैं अगर गाड़ी घोड़ा से तो सावधान से आइएगा, और काफ़ी तेज़ धूप है, कैमरा में देखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा ये नदी का सीन, और भी आइए दिखाते हैं आपको। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि देवरिया से ज़्यादा दूर पर नहीं है कुसहरी पुल, यानी 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ये पुल है। और दोस्तों मैं बता दूं कि देवरिया से जैसे मतलब इस रास्ते से अगर आते हैं आप लोग, तो इस रास्ते से आप लोग पत्थरदेवा आसानी से जा सकते हैं, और रामपुर कारखाना मतलब ज़्यादा दूरी नहीं तय करना पड़ेगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इस ये पुल बन गया है तो लोगों को बहुत ही आसानी हो गया है आने जाने में, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ कि काफ़ी घुमाव मतलब पड़ जाता था लोगों को पत्थरदेवा जाने में, या रामपुर कारखाना, या तमाम जगह जाने में, या आप बोल सकते हैं कुशीनगर भी अगर जाना होगा तो इसी रास्ते से आप जा करके रामपुर कारखाना होते हुए तरकुलवा निकल सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इस पुल की खासियत यही है कि जो भी देवरिया जाना चाहता है वो लोग आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ कि पहले के लोग जब पुल नहीं बनना था तो नाव से होकर के जाते थे। आइए दिखाते हैं आपको नदी का सीन। देख सकते हैं दोस्तों यह है कुसहरी पुल, और काफ़ी तेज धूप है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं आप लोगों को कुसहरी पुल का वीडियो दिखा दूं। देख सकते हैं दोस्तों पूरा मरम्मत हो गया है इस पुल का, और मतलब फिनिशिंग वाला काम अभी नहीं हुआ है, मतलब चालू हो गया पुल, आप लोग आ जा सकते हैं। लेकिन रोड जैसे ही पुल समाप्त हो रहा है मतलब रोड मतलब टूट गया है किनारे किनारे, और बोल सकते हैं आप पानी होने की वजह से टूट गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों अभी नया नया ब्रिज बना है, लेकिन अभी बारिश की वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रोड टूट गया है पुल के किनारे किनारे, देख सकते हैं अभी यहाँ पे टूट गया है पुल। अभी मतलब कि यहाँ पे अगर गाड़ी घोड़ा से आ रहे हैं आप लोग तो सावधानी से आइएगा। बाकी देख सकते हैं पूरा सीन बहुत ही हालत ख़राब हो गया है इस पुल के किनारे किनारे, यानी अच्छे से अभी मरम्मत नहीं हुआ है। और बाकी ब्रिज तो अभी ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग पूरा ब्रिज का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से पूरा सीन जाएगा रामपुर कारखाना होते हुए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुल बन गया तो क्षेत्र का विकास और तेज़ी से हो गया, समझ सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूँ जैसे ही पुल बना यहाँ पे देख सकते हैं 2-3-4 दुकानें भी खुल चुकी हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है जब किसी की चीज़ को किया जाएगा तभी लोग और भी साथ देते हैं किसी चीज़ में, तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों। देख सकते हैं पूरा पुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पे 4-5 दुकान भी हो गया है, जो कि शाम का समय यहाँ पे सब्जी उब्जी का दुकान भी लगता है और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा
इस पुल के पास। आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों कि अक्सर पुल पे क्या दिखता है, तो देख सकते हैं पूरा सीन। अरे भाई नहीं पढ़े से हो गलत का हो जाए, पढ़ा लिखा लड़की हो गए तो ये लोग का गलत फहमी का कौन डला हो। जैसे कि देखा, देख सकते हैं दोस्तों अभी रोड पर गड्ढा हो गया है चारों तरफ, क्योंकि अभी जो भी रोड बना है ये अभी अच्छे से मरम्मत नहीं हुआ है, बारिश की वजह से पूरा यह ढह गया है किनारे किनारे का, जो कि चीरा उरा लग गया है। देख सकते हैं अभी पूरा सीन, ये जाएगा देवरिया। यहाँ पे कुमटी उमटी लगा है, दुकान का सीन देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और नए वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।